दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। रमजान का महीना जारी है। इस माह में जगह जगह रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता है। सियासी पार्टियों की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन हमेशा से ही किया जाता रहा है। वहीं पटना में आरजेडी की तरफ से शानदार इफ्तार पार्टी दी गई। राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत महागठबंधन के कई सीनियर लीडर नेता राबड़ी आवास पर जमा हुए। इस मौके पर रोजेदारों के लिए खास इंतजाम किया गया। राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी को लेकर काफी भीड़ नजर आई। इस खास अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर साल इफ्तार का आयोजन करते हैं। हम इफ्तार से रोजेदार लोगों के लिए सम्मान प्रकट करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं है, बल्कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। जितने भी लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, उनकी जायदाद की कुर्की हो रही है। जो भी देश हो, बिहार का मन वचन छीनने की कोशिश करेगा, उससे कानून सख्ती से निपटेगा। बता दें कि बिहार में लगातार इफ्तार पार्टी का दौर जारी है। रमजान के महीने में कई सियासी पार्टियों की ओर से इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। वहीं पटना में बीते 3 दिनों से लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है। सीएम हाउस पर शुक्रवार को बिहार हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इसके दूसरे दिन यानी शुक्रवार को हज भवन में जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और रविवार को राबड़ी आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन शानदार इफ्तार पार्टी दी गई। सीएम नीतीश और हज भवन में हुए इफ्तार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिरकत की थी। हालांकि बीजेपी इफ्तार पार्टी से दूरी बनाती हुई नजर आई है। आपको बता दें, रमजान के महीने में जगह जगह रोजे इफ्तार की पार्टी होती है। बताते चले आपको, पटना में आरजेडी की तरफ से शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने भी शिरकत की है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ डीएनडी न्यूज चैनल के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।